वेलकम टू डॉट एस एम। तो जैसे कि देख पा रहे, मैंने एक थीम अप्लाई किया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये थीम एक कमेंट के ऊपर मैं बना रहा हूँ, जैसे कि आप अभी बगल में देख रहे हैं। साथ ही साथ मैं गैलरी में भी आपको दिखा रहा था कि किसने कमेंट किया था। तो जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था कि MIUI 11 के हाइडेंस फीचर्स, तब एक कमेंट आया था कि भाई जो एंड्रॉयड मोबाइल सोल्यूशन है, यूट्यूबर है, उसने अपने रेडमी नोट 5 प्रो में एक थीम और एक ब्लू स्कूटर वाला वॉलपेपर सेट करके रखा है, भाई आप प्लीज़ वो थीम और वॉलपेपर का नाम बता दो। तो ये जो कमेंट था, ये सलमान शेख ने किया था कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कमेंट को पिक करते हुए मैंने ये थीम बनाया है। तो इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है और कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले इसका जो चेंजेस है, आप देख रहे हैं आइकन वगैरह तो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, पर उसमें ज़्यादा कुछ आपको खास देखने को नहीं मिलता है। नीचे नीचे कुछ ऐप आइकन्स है, वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है देखने में, मतलब स्टॉक ऐप्स ही जो ज़्यादातर चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और कम्प्लीटली लाइट मोड है, डार्क मोड आपको मिलता नहीं। अगर आप डार्क मोड यहाँ पे इनेबल करते हैं तो भी ये वर्क करता है। होम स्क्रीन जो इसका बहुत ही अच्छा लगता है, बाद बाकी इसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलता है। सेटिंग में भी अगर चले जाएंगे तो आप पहले बाय डिफॉल्ट सेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो डिफॉल्ट मोड था यहाँ पे सेटिंग अगर क्लिक कर देते हैं तो इसमें देख सकते हैं आपको बाय डिफॉल्ट जो मिलता था वही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क मोड अगर इनेबल करते हैं कोई भी अदर थीम में तो देखिए कि वो डिफॉल्ट हो जाता है, मतलब। तो मैंने डार्क मोड अभी ऑन नहीं किया, तो देख सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस तो देखने नहीं मिलेगा, वही छोटा मोटा, मतलब जो इसका वॉलपेपर है और यूज़र इंटरफेस है, मतलब मेन मेनू, वही चेंजेस आपको मिलेगा। तो भाई ने कहा था कि इस थीम का एक वीडियो भी बना देना, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इसे आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, जो इनका नाम है SCUTTER, और डिज़ाइन बार देख सकते हैं, डिज़ाइन बार है Genex 69। तो आपको ये लिखना है और डेवलपर को फॉलो करना, तब जाके आपको ये थीम मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थीम है, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ और एक थीम दूंगा जिससे कि ना आप अपने व्हाट्सएप को आप डार्क मोड में इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं लाइट मोड है, तो इसी तरह व्हाट्सएप में भी आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले थीम स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सॉरी थीम स्टोर से एक थीम डाउनलोड करना है। वो कौन सा थीम है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे Android 10 बोल के लिखा हुआ है, और इसका डिज़ाइनर आप देख सकते हैं, ये S21696, नाम बहुत ही अजीब है। तो ये थीम आपको डाउनलोड करना है Android 10। यहाँ पर आप वॉलपेपर वगैरह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखेगा। तो इसका जो वॉलपेपर है बहुत ही अच्छा है, और ये डार्क मोड में भी काम करता है। मान लीजिए आप डार्क मोड इनेबल कर देते तो थीम वर्क करता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं अप्लाई करके आपको कैसे व्हाट्सएप को डार्क मोड में इनेबल करना है। तो जैसे आप इसे अप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा फर्स्ट सेटअप है तो वेट करना होगा आपको। तो ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फिर ऊपर से आपको नोटिफिकेशन बार को ओपन कर लेना, फिर ये डार्क मोड। अगर आपको यहाँ पे डार्क मोड नहीं दिखता तो आपको ये एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, डन कर देना है ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसके बाद डार्क मोड यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डार्क मोड इसमें काम करता है प्रॉपरली। तो जैसे आप डार्क मोड इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखिए गूगल का पहला जो एप्लीकेशन आता है, मतलब सर्च बार, वो भी ये डार्क मोड में इनेबल हो गया। उसके बाद आ जाइए सीधे व्हाट्सअप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी व्हाट्सअप डार्क मोड में इनेबल हो गया। इसका पेज जो है आपको डार्क मोड में नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे अगर चैट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको डार्क मोड यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप बैकग्राउंड में अभी देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इस थीम को डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप में डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। और बात करते हैं इसकी सेटिंग, तो सेटिंग भी इसका चेंज हो चुका है, आप अभी देख सकते हैं। ये टोटली एंड्रॉयड 10 में जो सेटअप देखने को मिलता है आपको सेटिंग पैनल, वैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखने में बहुत ही बढ़िया थीम है, तो मेरे हिसाब में इसे एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो थीम का नाम, पहला थीम का नाम जो है वो स्कूटर 10 है, या तो फिर आप सर्च बार में टाइप कीजिए स्कूटर V10, वो आपको स्कूटर वाला थीम मिल जाएगा। अरे एंड्रॉयड 10 है, इसका वॉलपेपर आप देख सकते हैं और डेवलपर भी मैंने बता दिया, थीम स्टोर में मिल जाएगा। और ये थीम दोनों ही बढ़िया है, एक तो देखने में बहुत बढ़िया, तो दोनों ही थीम बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे थीम स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने दोनों का ही नाम बता दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दिया, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह के थीम या कोई भी टेक रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।